एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अभी जाओ जिन और क्विंग दोनों ही फाइनल राउंड में पहुंच चुके थे, जहां के सबसे पहले जाओ जिन को बुलाया जाता है और अभी लाइव कमेंट्री करने को बोला जाता है। उसे एक मैच की लाइव वीडियोस दिखाई जाती है और कहा जाता है कि अभी तुम लाइव कमेंट्री करके सबके सामने में दिखाओ। उसे पहले से पता होता है कि उसे कौन सी वीडियो देखने को मिलेगी, इसलिए वो आराम से वहाँ पर, उसने स्क्रिप्ट तो याद करके रखा ही था, इसलिए वो आराम से वहाँ पर बोलने लग जाती है कि ऐसे होगा वैसे होगा सब कुछ, और वहाँ पर सबको उसका काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पर तभी होस्ट आकर बताता है कि अभी क्विंग और फिर जाओ जिन में कुछ डिफरेंस है, और लेकिन वो अभी वो किसी भी लोगों को नहीं बताएगा और वो चाहता है कि अभी क्विंग भी बता दे। और फाइनली जब जजेस भी अपने अपने आंसर दे दे कि वो किसे पसंद करना चाहते हैं, तभी वो उसे बताएगा कि किसके कितने पॉइंट्स हैं और कौन अभी आगे होस्ट बन पाएगा इस प्रोग्राम के बाद। वहाँ पर सारे लोग अभी मैच शुरू करते हैं, अभी क्विंग को बुलाया जाता है तो वो सीधे आके मैच के बारे में नहीं बताती, वो सबसे पहले वहाँ पर लोगों को हाय बोलती है, उसके बाद बताती है कि आज मौसम कैसा है और अभी सुबह सुबह आने में कितनी ज़्यादा परेशानी हुई होगी, कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा और आज का दिन कैसा है। वो पहले सारे लोगों से कॉमन नॉर्मल सी कन्वर्सेशन करती है, उसके बाद फिर वो कमेंट करना स्टार्ट करती है उस मैच पे, और वो बहुत ही अच्छे से बताती है। इसलिए जिन लोगों ने पहले मैच को नहीं भी देखा होता है, जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं भी पता, वो लोग भी उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होते हैं और इस वजह से उसके बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बहुत सारे पॉइंट्स उसे मिल भी रहे होते हैं। यहाँ पर क्विंग, जैसे कि कुछ पता भी नहीं होता जाओ जिन की तरह, इसके बावजूद भी वो बहुत ही अच्छे से करती है और सारे लोग ज़ोर ज़ोर से उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। अब फाइनल डिसीजन यहाँ पे होता है जजेस का, क्योंकि इन दोनों के बीच बस कुछ पॉइंट्स का ही फ़र्क था और जजेस अभी अपने पॉइंट्स दे देंगे तो साबित हो जाएगा कि कौन आगे जा रहा है और कौन आगे नहीं जा रहा, क्योंकि एक जज के पॉइंट से 10 पॉइंट्स मिलने वाले थे, अगर वो येस या नो बोलते हैं तो 10 पॉइंट मिल जाएगा और इस वजह से 2 पॉइंट से तो काफ़ी आगे हो जाएंगे और जो भी पीछे वो भी आगे हो जाएगा। इसलिए अभी फाइनल डिसीजन जज का था कि वो किसे यहाँ पे विनर बनाते हैं, उन्हें किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा और किसका नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बॉस होते हैं जो कि जाओ जिन के बॉस होते हैं और अभी नई नई कंपनी GDV के बॉस, वो दोनों ही उसे पहचानते थे, उनके कनेक्शन थे वहाँ पे। इस वजह से वो दोनों ही वहाँ पे जाओ जिन के लिए वोट कर देते हैं और वहाँ पे बहुत तालियां बजने लग जाती है उसके लिए। क्विंग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर जिया भी होता है, जिया तो सबसे पहले वहाँ पर क्विंग के लिए वोट करता है। अब बस दो लोग बचे थे, एक तो लुबो था और दूसरी मियाँ, ये दोनों ही शायद उसे वोट ना दे। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी भी थी कि पता नहीं उसे वोट मिलेंगे या फिर नहीं। वहाँ पे अभी लुबो की बारी थी, लुबो पहले तो कुछ देर तक देख रहा होता है उन दोनों को ही। अब सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हो गया, अभी क्विंग को तो ये बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि वो अभी जाओ जिन की तरफ इशारा करने वाला था, पर अचानक से वो अपने कार्ड को घुमा देता है और अभी क्विंग की तरफ इशारा कर देता है और क्विंग को यहाँ पर उसके भी पॉइंट्स मिल गए थे, इससे वो बहुत खुश होती है। लुबो कहता है कि उसे सबसे अच्छा लगा कि किस तरीके से उसे शुरुआत में आज के वेदर के बारे में सब कुछ के बारे में बताया, जैसे कि लोग इसे नहीं भी जानते वो भी आज के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से थोड़ा कनेक्टेड फील करेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे गेम के बारे में बताएगी तो वो ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाएंगे, जो कि जाओ जिन ने नहीं किया। हालाँकि जाओ जिन ने भी बहुत अच्छा किया, पर फिर भी ये चीज़ उसने गलत की, उसे ये भी ऐड करना चाहिए था। उन्हें ये बहुत ही पसंद आया कि किस तरीके से क्विंग ने इसे ऐड करा और इस वजह से वो उसके लिए वोट कर रहे। अब मियाँ की बारी थी, अब सारे लोग वहाँ पे टेंस थे कि मियाँ किसको देगी। मियाँ पहले बताती है, वोट देने से पहले वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि ये सारी गेम्स खेला करता है, पर जब वो लोग साथ थे तो वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और अभी अब इतने समय के बाद में वो उस गेम को यहाँ पे जज कर रही है और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और पहली बार जब वो यहाँ पर आई तो उसे कमेंट्री देकर काफ़ी अच्छा लगा, एक इंसान जिससे वो कनेक्ट कर पाई। और यहाँ पर वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि क्विंग के बारे में कहती है, वो कहती है कि उसे क्विंग का बहुत ही अच्छा लगा और इस वजह से वो उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे फुल मार्क्स देती है। और यहाँ पे अब फाइनल हो चुका था कि क्विंग ही अब होस्ट करेगी लुओ के साथ में। यहाँ पे जाओ जिन का शक्ल तो देखने वाला था, वो बहुत गुस्सा होती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि अपनी बहन के लिए सारे लोगों से वोट करवा रहा था और इसी चक्कर में वो गलती से एक कार के आगे आ जाता है और उसका बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। लोग जल्दी से वहाँ जमा होते हैं और सारे लोग उसे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों से बेखबर क्विंग तो आराम से वहाँ पर खड़ी होती है। अब ये शो ख़त्म होने के बाद में सारे लोग मियाँ के साथ में पिक्चर्स ले रहे थे, मियाँ वहाँ पर क्विंग को भी बुलाती है और क्विंग के साथ में भी पिक्चर लेती है। फिर वो उसे कहती है कि आज उसे उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा, वो उसे अपने होने वाले शो के लिए 2 टिकट्स भी देती है और कहती है कि मेरे शो में ज़रूर आना। क्विंग तो ये देखकर बहुत ही खुश हो गई थी, वो उसे बहुत ही थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो घर जाती है। अभी जब वो बाहर निकलती है तभी वहाँ पर जुआन और कॉन्ग सारे लोग होते हैं, वो सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर वो बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि टोनी भी वहीं होता है जो इन सभी के साथ में पिक्चर्स को क्लिक कर लेता है। अभी चारों लोग एक साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग काफ़ी पार्टी कर रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी फाइनली इतने समय से जिस चीज़ को क्विंग जानना चाहती थी, जिस चीज़ को पाना चाहती थी,
वो उसने पा लिया है और GDV में वो भी लुओ के साथ में कमेंट्री करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो सारे लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर तभी हम मियाँ को देखते हैं जहाँ की टोनी उसे कह रहा होता है कि तुम जिस इंसान के लिए इतनी पागल हो रही है वो किसी और को पसंद करता है। वो उसे कहता है कि तुम बेकार में ही ऐसा सोच रही हो कि वो तुम्हें सच में पसंद करता है, वो क्वीन को ही पसंद करता है और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी कुछ हरकतों को उसने उसमें देखा इस वजह से वो उसे पसंद कर रहा है। पर मियाँ बार बार यही कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्वांग मुझे ही पसंद करता है, वो उसे पसंद भी नहीं करता। तो टोनी उसे पिक्चर्स दिखाता है कि ये देखो ये चारों लोग अभी हैंग आउट कर रहे हैं, कितने खुश दिख रहे हैं। तो वहाँ पर मियाँ कहती है कि उसे पता है कि अगर वो एक कॉल कर देगी ना तो अभी के अभी वहाँ पर क्वांग उससे मिलने के लिए आ जाएगा। टोनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मियाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है उसके पीछे में, पर मियाँ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती। फिर वो क्वांग को कॉल करती है और कहती है कि आज वो लास्ट दिन यहाँ पर है और अभी रात में ही कुछ समय के बाद ही उसकी फ़्लाइट है जिससे कि वो दूसरे कंट्री जा रही है। वो क्वांग को मिलने के लिए बुलाती है, क्वांग सबके साथ में होता है, पर फिर वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। वो अभी उसे मिलने के लिए जाने ही वाला था, वो इन तीनों को कहता है कि उसे कुछ काम है तो उसे निकलना पड़ेगा, ये लोग आ जाएं। कि तभी वहाँ पर क्वीन को भी कॉल आता है हॉस्पिटल से, उसे पता चलता है कि लिंग का इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तो क्वांग अभी मियाँ को छोड़कर क्वीन को अपने साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और मियाँ वही होती है रेस्टोरेंट के बाहर में, वो इन सारी चीज़ों को देखती है और बहुत रोती है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ की जैसे ही क्वीन पहुँचती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे देखकर जोर का थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज लिंग की ये हालत है, अगर तुम नहीं होती तो वो बिल्कुल ठीक होता, तुम्हारे लिए वो वोट कलेक्ट कर रहा था और उसकी ये हालत हो गई। अब यहाँ पर क्वीन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर, क्योंकि वो कभी भी अपने भाई से नफरत नहीं करती थी, उसे तो गुस्सा था अपने डैड पे और इस वजह से वो उसे भी हमेशा दूर कर दिया करती थी, अपने भाई की भी बातें नहीं सुनती थी। वो बेचारा तो हमेशा उसकी हेल्प करता था, उसके लिए न जाने उसने क्या क्या किया, पर क्वीन इतनी गंदी सिस्टर है, उसने अपने भाई के साथ में ये किया। वो वहाँ पर बहुत रो रही होती है, क्वांग उसे सहारा देता है, उसे संभालता है। फिर अगले दिन वो उसे कहता है कि आज उसका फर्स्ट डे है ऑफिस में इसलिए उसे जाना चाहिए, पर क्वीन मना करती है, वो कहती है कि वो नहीं जाएगी, जब तक उसका भाई होश में नहीं आएगा वो नहीं जाएगी। वो खुद को ही बार बार दोष दे रही थी, वो कहती है कि वो बहुत ही गंदी सिस्टर है। वहाँ पर क्वांग उसे बहुत समझाता है। फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि अभी पूरे एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद में अभी होश भी आ जाता है वहाँ पर उसके भाई को। तो यहाँ पर क्वांग अब उसे कहता है कि अब तो लिंग को भी होश आ गया इसलिए इनको जाना चाहिए। अब क्वीन वहाँ पर चली जाती है, पर जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि अभी लुओ के साथ में कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ जेनी कमेंट्री कर रही होती, क्योंकि वो अब ऑफिस में छुट्टी होने के टाइम पर पहुँची थी, इस वजह से उसकी जगह पर ज़ाओ जिन को ले लिया गया था। इसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और लुओ उसे फिर से डांटता है और कहता है कि अभी तुम लेट पहुँचे इसलिए तुम्हें अपने पोस्ट से भी हटना पड़ेगा, अभी ज़ाओ जिन ये काम कर रही है इसलिए तुम इसके असिस्टेंट के तौर पर काम करो और काम सीखो दूसरों से। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इन सारी चीज़ों को जानकर उसे भी बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो टेंशन नहीं लेती और वहाँ पर ज़ाओ जिन की हेल्प करती है अच्छे से सारी चीज़ों को, प्रोग्राम को, सब कुछ को सेट करने में। अब वहाँ वो खुद बहुत मेहनत कर रही होती है। शाम को जब छुट्टी होता है तो क्वांग उसे देखने के लिए आता है, वहाँ पर वो क्वांग के सामने में जाकर रोने लग जाती है। क्वांग उसे संभालता है, वो कहता है कि तुमने लुओ को बताया क्यों नहीं, तो वो कहती है कि अभी मैं खुद को इतना ज़्यादा वहाँ पर किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, अगर मैं सच भी कहती तो उन्हें झूठ लगता कि मैं बस किसी तरीके का बहाना बना रही हूँ इसलिए मैं नहीं कह पाई। वहाँ पर वो उसे संभालता है और कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो उसे अपने साथ में लेके जाता है और उसे चेयरअप भी करता है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रही होती है, बार बार क्वीन सारी चीज़ों को संभाल रही होती है। वहाँ पर लुओ भी नोटिस करता है कि वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है। फिर वो उसके पास में आके अपने नोट्स भी उसे दे देता है। क्वीन जब देखती है तो वो बहुत खुश होती है कि यहाँ पर लुओ ने उसे अपने नोट्स दिए। लुओ किसी से सही मुँह से बात तलक नहीं करता और इसे अपने सारे नोट्स ला के दे दिए प्रिपेयर करने को। वो बहुत खुश होती है और थैंक यू बोलती है। और हम देख पाते हैं फ्लैशबैक में जैसे कि पता चलता है कि क्वांग आखिर लुओ से मिलने के लिए गया हुआ था और वो उसे जाकर बताता है कि क्या कुछ हुआ और किस वजह से वो टाइम पर नहीं पहुँच पाए, और ये जानकर लुओ को भी बुरा लगता है। फिर वो उसे भी नोटिस करता है काफ़ी टाइम ऑफिस में और देखता है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनती है और इस वजह से वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था और इसलिए अपने नोट्स लाकर उसे दे देता है। और यहाँ इस नोट्स को पाकर तो क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो इतनी खुश होती है और वो सारे काम में और भी ज़्यादा मेहनत करने लग जाती है। वो बहुत ही प्रैक्टिस कर रही होती है अपने कमेंट्री पे और बहुत सारे नोट्स भी बना रही होती है गेम को लेकर और बहुत मेहनत करती है। फिर अगले दिन जब छुट्टी होता है तो वो जा रही होती है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो रुक के देखती है तो उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ जिन है जो कि वहाँ पर जी के साथ में होती है। उसे पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल शॉक में ही हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वो यहाँ पर इन लोगों को देखती है। वहाँ पर दरअसल क्वीन को ऐसा लग रहा होता है कि पाई और ज़ाओ जिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर जब वो यहाँ पर इन दोनों को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ज़ाओ जिन ना पाई को धोखा दे रही है और वो यहाँ पर जी से मिल रही है और पाई को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उसे बुरा भी लग रहा होता है। वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए वो जाके पाई को ज़रूर बताएगी और अपने दोस्त को
बचा लेगी उसे, इस तरीके से वो हर्ट नहीं होने देगी और वो कुछ और ही समझ के पाई से मिलने का सोचती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन पाई के पास में आती है, वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है इसलिए प्लीज़ आना। वहाँ पर अभी वो कहता है कि क्या बात करना है, तो वो कहती है कि बस आओ तो मुझे कुछ बात करना है। पर जब पाई जाने लगता है तो जुआन उसे रोक के कहता है भाभी है इसलिए ज़्यादा क्लोज मत जाना। उसके बाद वो पहले से उसे समझा कर वहाँ से भेजता है, पर फिर भी उसे ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो दौड़ के कॉन्ग के पास जाता है कि भाभी खतरे में है। फिर वो कॉन्ग को बुला लेता है और कहता है कि चलो मुझे कुछ बात करनी है, पाई वहाँ पे गया है भाभी से बात करना, उनसे जाके मिलो। हम देखते हैं कि अभी रूफटॉप पे जाके कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार इतना घबरा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पाई न जाने जाओजिन को कितना पसंद करता होगा, वो बेचारा ये जान के कितना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। उसे तो पता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर वो किसी तरह से हिम्मत जुटा के कहती है कि देखो जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे दोस्त हो ना इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, बिल्कुल भी बुरा मत मानना ठीक है, आराम से बस सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। पाई को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की पागल हो गई है क्या, अचानक से बुला के ये क्या क्या बातें इसे कह रही है। पर फिर क्वीन बहुत मेहनत करके एकदम आराम से खुद को समझा के किसी तरीके से पाई के सामने में बोलती है तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, तो पाई बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड हो गई भाई, ये सुन के वो बिल्कुल शौक ही रह जाती है। फिर वो कहती है अरे जाओजिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, जिस पे कि पाई कहता है कि बिल्कुल नहीं, जाओजिन और मेरी गर्लफ्रेंड कब से। यहाँ पर ये सुनकर क्वीन को हंसी आ जाती है, क्वीन कहती है कि सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पे पाई मना करता है। तो क्वीन उसे बताती है कि दरअसल मैंने उसे किसी के साथ में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आ गई क्योंकि अगर बाद में पता चलता तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता, ये सोच के मैं यहाँ आई। ये सुनकर पाई को बहुत हंसी आ रही होती है। फिर पाई उसे कहता है कि उसका छोड़ो, अगर तुम्हें कभी कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ जाना हेल्प मांगने के लिए। तभी वहाँ पीछे से जुआन और कॉन्ग भी आ जाते हैं। जुआन कहता है कि देख के संभल के क्या बोल रहे हो तुम, सोच के बोलो। तभी कॉन्ग आता है और कॉन्ग कहता है कि तुम्हारे पास भला क्यों जाएगी ये हेल्प के लिए। अभी वहाँ पर पाई पीछे मुड़ता और कहता है कि तुम तो हेल्प करते नहीं हो इसलिए मेरे पास ही आएगी ना, और बोल के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जुआन कहता है कि क्वीन तुम्हें इस तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, भैया से बात करो ना, कॉन्ग से बात करो। और तभी वो कॉन्ग की तरफ देखने लग जाती है, पर वहाँ पर जुआन भी उन दोनों का मैच मेकिंग करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो परेशान ही कर देता है उन दोनों को। तो कॉन्ग उसका कान पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है और ये देखकर क्वीन को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ कि उसका भाई लिंग अभी बेड पर होता है, तभी उसकी स्टेप मॉम यानी कि लिंग की अपनी मॉम वहाँ पर आती हैं और वो उसके लिए बहुत ही टेस्टी सा खाना लेकर आई थी, उसे बहुत सारी बातें भी करती है और यहाँ पर उसे कहती है कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा इसलिए वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले और जल्दी से रिकवरी पे ध्यान दे। अब थोड़ी देर में वहाँ पर उसके फादर भी आते हैं जो कि उसकी मदर को बुलाते हैं, वो लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं जहाँ कि डॉक्टर अभी उन्हें बताता है कि वो ठीक तो हो जाएगा, लिंग अच्छे से चल पाएगा, ये सारी चीज़ों में उसे परेशानी नहीं होगी, पर वो कभी भी बहुत ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ नहीं कर पाएगा अपने पैरों से, यानी कि अब वो बास्केटबॉल अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खेल पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि लिंग भी पीछे पीछे आ गया था और वो इन सारी बातों को वहाँ पे सुन लेता है, इससे वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसके लिए बास्केटबॉल उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो बहुत अच्छा खेलता था, नेशनल लेवल तक के लिए भी वो सेलेक्ट होने वाला था। और ये सारी चीज़ें जानकर अचानक से उसका पूरा सपना ही टूट जाता है, इससे लिंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम जाती है पर डैड तभी रोक लेते और कहते हैं कि उसे अकेला रहने दो कुछ वक्त। फिर दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जिससे कि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो घर पर रात भर जग के उसके लिए कुछ मेडिसिन बना रही होती है जो कि चाइनीज़ कल्चर में वो लोग कुछ बनाते हैं ऐसा, वो बना रही होती है जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर वो अगले दिन उसके लिए कारा लेकर जाती है, पर वो नोटिस करती है कि लिंग बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो बहुत ही सैड होता है। पर क्वीन को ऐसा लगता है कि इतने समय से वो हॉस्पिटल में इस वजह से वो सैड है, वो उसे वो कारा भी देती है, उससे बहुत सारी बातें भी करती है। पर वहाँ पर लिंग उससे बातें तो कर रहा होता है पर वो ये नहीं चाहता है कि उसकी बहन को इसके बारे में पता चले ताकि वो हर्ट हो, वो अभी भी अपने सिस्टर के बारे में सोच रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। वहाँ पर वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भी थका फील कर रहा है इसलिए वो थोड़ी देर सोना चाहता है। तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करती और कहती कि तुम आराम करो यहाँ पर, मैं बाद में तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि पाई अभी वहाँ लुओ से बात कर रहा होता है, वो बताता है कि उसने अभी डायरी पढ़ी है सारी, ये पूरी डायरी जिससे कि कॉन्ग ने लिखा हुआ था। वो कहता है कि हमें कॉन्ग को उसी के तरीके से हराना पड़ेगा मैच में। लुओ कहता है वो कैसे, तो पाई कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम दूसरी तरफ कॉन्ग को देखते हैं जो कि अभी अपने टीम मेंबर्स को सारी चीज़ें समझा रहा होता है, पर वहाँ पे बिल्कुल भी जी तो किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता और बस बकवास करता है, वो बिल्कुल भी उसकी स्ट्रैटेजी भी नहीं सुनता। पर कॉन्ग भी अब उससे परेशान हो चुका था। इधर हम क्वीन को भी देखते जो कि बहुत मेहनत कर रही होती है और उसने एक डायरी बनाकर रखी थी जिसमें कि वो सारे मैचेस के बारे में लिखा करती थी, सारे प्लेयर्स के बारे में और सारे लोग जो भी उसके साथ में स्टाफ काम कर रहे होते, उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह सारे फ्रेंड्स सारे लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इस पर।
वही चीज़ को वो भी दूर से देखता है, और वो भी देख रहा होता है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उसे भी समझ में आता है कि वो हमेशा इसे गलत ही समझता था, ये तो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है। और फिर वहाँ से देख कर वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि फिर से अब BNG का मैच होता है और वो लोग फिर से मैच को जीत जाते हैं। और इसलिए अब शू का बर्थडे भी होता है। गान सारे लोगों से कहता है कि वो सबको पार्टी देगा और पहले प्लेयर्स को भी बुलाएगा जिनके साथ में कि वो भी खेला करता था। अब सारे लोग इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। अब शाम में शू का बर्थडे पार्टी होता है जहाँ के सारे लोग आए हुए होते हैं। BNG टीम्स के प्लेयर के साथ साथ बाकी के भी सारे लोग होते हैं, जैसे कि जिया, लाओ, गान, फांग, सारे लोग ही वहाँ पर आए हुए थे। बस एक ही वहाँ पर नहीं था, जो था कि शुन। शुन कभी भी किसी भी ऐसी तरह की पार्टीज़ में नहीं आता है, वो हमेशा इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर रखता था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गान एक्चुअली में सुन के पास भी गया था, और वो सुन से कहता है बर्थडे पार्टी में आने को, वो मना करता है, वो कहता है कि वो कभी नहीं गया, वो नहीं जाना चाहता। पर यहाँ पर गान कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आज कुछ होने वाला है, इसलिए वो प्लीज़ आए उसके साथ में। अब वो बहुत ही ज़्यादा बोल के उसे अपने साथ में लेके जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ बर्थडे पार्टी में शू आती है, वो बहुत खुश होती है कि उसके सारे अभी टीम मेंबर्स भी वहाँ पर थे, और अभी जो प्लेयर्स उसकी टीम के लिए खेल रहे हैं वो सारे लोग भी वहाँ पर, वो बहुत खुश होती है। अभी सब कुछ हो जाता है, वो लोग केक वेक भी काट लेते हैं, सब कुछ होता है। फिर अभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे गान वहाँ पे उसको प्रपोज कर देता है, जिसे देख के सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं। गान हमेशा से ही शू को पसंद करता था, पर शू ने हमेशा से ये क्लियर करके रखा हुआ था कि वो उसे पसंद नहीं करती है, वो दोनों बस एक बिजनेस पार्टनर्स की तरह है। वो लोग पहले एक साथ गेम खेला करते थे और अभी बिजनेस पार्टनर्स है बस, और कुछ भी नहीं। पर गान इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पाया था। वो सबके सामने उसे प्रपोज करता है, जिसे देख के वहाँ पे शू तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। शू को वहाँ पे बहुत बुरा लग रहा होता है, वो सुन की तरफ देखती है, सुन भी वहाँ पर बहुत बुरा फील कर रहा होता है। शू सीधे वहाँ पे गान से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, और गान बार बार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसे कितनी बार उसे बताना पड़ेगा, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि गान जिया के साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ कि जिया उसे कह रहा होता है कि अरे यार इतनी भी ज़्यादा ड्रिंक मत करो। पर फिर हम देखते हैं कि उसी बातों बातों में वहाँ पे गान कुछ बहुत बड़ा सा रिवील कर देता है, जिसे सुन के कि जिया तो बिल्कुल शॉक ही रह जाता है कि ऐसा कुछ भी हुआ था हमारे साथ। पर फिर हमें वहाँ पर आगे इसके बारे में डिटेल्स नहीं दिखाया जाता, और हम दूसरी तरफ सुन को देखते हैं जो कि भी बहुत सैड होता है, वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी कॉन्ग वहाँ पर आता है और वो उसके साथ में ड्रिंक करता है, वो उससे बातें करता है ताकि वो थोड़ा अच्छा फील कर सके, और वो दोनों साथ में वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बातें करते हैं ताकि उन्हें अच्छा लग सके। फिर हम देखते हैं कि क्विंग अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, वो घर जा रहा है। वहाँ पर वो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, पर वो कुछ भी नहीं कहता, और कहता है कि दी अभी आप जाओ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर उसे समझ नहीं आता, और वहाँ पर उसे कोई बताता भी नहीं कि आखिर ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। उसके फादर भी जानते थे और उसका भाई भी जानता था कि अगर वो उसे पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेगी। दूसरी तरफ हम ई को देखते हैं, जो कि अभी ऑफिस में काम कर रही होती है, कि तभी उसे जुआन का मैसेज आता है। वो कहता है कि वो बाहर में उसका वेट कर रहा है, इसलिए वो जल्दी आए। पर ई मना करती है, वो कहती है उसे बहुत काम है, वो कहीं भी नहीं आएगी। तो जुआन कहता है कि मैं ही अंदर आ रहा हूँ। ई कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हारी जो मर्ज़ी। फिर हम देखते हैं कि जुआन थोड़ा अंदर जाता है, तभी उसे एक स्टाफ मिलता है जो कि उसे पहचानता था, वो उसे अंदर लेकर जाता है। वो ई से कहता है कि चलो खाना खाने के लिए, पर ई वहाँ पर मना कर देती है, और बेचारा जुआन फंस जाता है। उन्हें उन सारे लोगों को ही ट्रीट देना पड़ता है, क्योंकि वो पहले बोल चुका था कि तुम सबको ट्रीट दूंगा, पर ई तो उसमें शामिल ही नहीं होती, जिसकी वजह से उसने इतना कुछ किया, वही वहाँ से निकल के चली गई, वो बेचारा इन सारी चीज़ों में फंस गया। फिर हम क्विंग को भी देखते हैं, जो कि अभी कॉन्ग के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। वो दोनों ही अपने अपने करियर को लेकर बात कर रहे होते हैं, और एक साथ फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाके दोनों स्ट्रॉबेरी मिल्क भी पी रहे होते हैं, और बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पाई को देखते हैं, जो कि अभी लेजेंड्स के सारे टीम मेंबर से पूछ रहा होता है कॉन्ग के बारे में। वो कहता है कि कॉन्ग हमेशा से तुम लोगों की स्ट्रैटेजी तुम्हारे खिलाफ ही यूज़ करता है, तो तुम भी तो इतने समय तक कॉन्ग के साथ में खेले हो ना, तुम्हें भी तो पता होगा वो किस तरीके से खेलता है, इसलिए मेरी थोड़ी सी तो हेल्प कर दो। पर वहाँ पर सारे लोग ही मजाक करने लग जाते, उन्हें किसी को भी अच्छे से कॉन्ग के बारे में कुछ पता नहीं होता, खास करके जुआन। बार बार वो पाई को बुलाता था और ऊट पटांग बातें बोल देता था। उन सबसे बेचारा पाई परेशान हो गया था कि वो किस नमूने के बीच में फंस चुका है, और वो सारे लोग में से किसी को ही कॉन्ग की स्ट्रैटेजी उतनी अच्छे से नहीं पता था जितने अच्छे से कि कॉन्ग इन सारे लोगों को पहचानता था, और वो लोग किसी भी हेल्प के काम में नहीं होते, और वो लोग वहाँ पर थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर पाते, बेचारा पाई परेशान हो जाता है। उसके बाद फिर हम क्विंग को देखते हैं, जो कि अभी कॉन्ग के साथ में सुन के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर सुन पहली बार क्विंग से मिला था, वहाँ पर क्विंग तो उसे पहचानती थी और सुन भी जानता था। वो लोग एक दूसरे को फिर से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ पर सुन काफ़ी खुश था पहली बार कॉन्ग की गर्लफ्रेंड को देखकर। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं कुछ सामान तुम लोगों के लिए बनाकर लाता हूँ, तुम लोग तब तक अपने काम को करो। वहाँ पर कॉन्ग उसे कुछ बता रहा होता है कमेंट्री के बारे में, गेम के बारे में कुछ समझा रहा होता है, पर बार बार वहाँ पर क्विंग तो उसे ही देख रही होती है। यहाँ पर वो थोड़ी देर के बाद उठ के जब सामान लाने को जाती है, तो कॉन्ग भी इन सारी चीज़ों को उस समय से फील कर रहा होता है। वो काफ़ी वहाँ पे ब्लश करता है, क्योंकि उससे भी क्विंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि अब कुइंग घर आती है तो ई उसे कुछ बताती है। वो कहती है कि ये देखो, जाओ जी ने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, जितने भी उसने कमेंट किए हैं, जो भी उसने किया है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसके लिए लिखा है। और एक होस्ट होता है उसी कंपनी में, आकान करके, वो आकान ने ही उसके लिए सारी चीज़ें की। वहाँ पर ई श्योर होती है, वो कहती है कि आकान से और फिर जाओ जी तुम्हें उन दोनों से ही बच के रहना पड़ेगा, आगे से कंपनी में कभी भी उन दोनों को अपना फ़ायदा उठाने मत देना। तो वहाँ पर वो कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, ये मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो काम के लिए जाती है, पर वहाँ पे तो पहले से ही जाओ जिन ने हंगामा करके रखा हुआ था। दरअसल जाओ जिन अभी आकान से कह रही होती है कि ये देखो, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी पर हर एक चीज़ पे नाम इसी लड़की का हो रहा है। वो कहती है कि वो आकान को तो बिल्कुल भी कुइंग पसंद भी नहीं करती, वो हमेशा आकान के बारे में गलत सलत बोलती है और उसे काफ़ी ज़्यादा भड़का रही होती है वहाँ पर। अब ये जानकर आकान को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाके सीधे वहाँ पे कंपनी के बॉस से कहने लग जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर कुइंग बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो सीनियर है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर डायरेक्टर भी बुला कर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाते हैं। वहाँ पर बेवजह वो लोग कुइंग पे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि उसकी बहुत गलती है, वो बिल्कुल भी काम भी ध्यान से नहीं करती, कुछ भी सही से नहीं करती। इन सारी चीज़ों को होते हुए वहाँ पर लुओ देख लेता है, वो अंदर आता है और सीधे उन लोगों को रोकता है। वो कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, वो कहता है कि उसने भी जाओ जिन के उस सारे कमेंट को, उन सारी चीज़ों को देखा है, उसने उसके डाटा वगैरह सब कुछ, जो भी उसने बनाया, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा, उसने सब कुछ को देखा। और देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी और ने उसके लिए काम करा है। और यहाँ पर लुओ को भी पता था कि ये काम आकान ने किया है, पर वो उसका नाम डायरेक्टली वहाँ नहीं लेता और कहता है कि उसने फिर इसका काम भी देखा है। वो बोलता है कि कुइंग बहुत ही अच्छे से काम को कर रही है और उसे नहीं लगता है कि उसने किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करा है यहाँ पर, और अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो सबसे पहले लुओ ही उसे डांटेगा, उसे समझाएगा। और यहाँ पर सबके सामने वो उसकी साइड लेता है और आकान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए उसे उठ के वहाँ पर गुस्से में चला जाता है वो। और यहाँ पर कुइंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि लुओ ने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी। वो वहाँ पर लुओ को थैंक यू भी कहती है, पर लुओ कहता है कि उसने बस उसके काम की मदद की है, उसकी मदद नहीं। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कॉन्ग आज जब काम करने के लिए गया हुआ था सुबह सुबह, तब उसे पता चलता है कि मियाँ वापस आ चुकी है और मियाँ उसकी कंपनी को स्पॉन्सरशिप भी करने वाली थी और इस वजह से वो कुछ ऐड शूट करना चाहती थी। और यहाँ पर वो कॉन्ग को शूट करने के लिए कहती है। अब कॉन्ग मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी कंपनी को स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, इसलिए वो हाँ कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो मियाँ को बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो मियाँ उसे अंदर एक रूम में बुलाती है और वहाँ जब वो जाता है तो वो उसे एक गिटार दिखाती है और कहती है कि याद है ये तुमने कब लाया था। फ्लैशबैक में ये देख पाते हैं और जान पाते हैं कि दरअसल ये कॉन्ग ने उसके लिए ख़रीदा था और इसके लिए उसने बहुत मेहनत किया था, रात दिन पार्ट टाइम जॉब करा था, क्या क्या किया और कितनी मुश्किल से उसके लिए उसने इस गिटार को ख़रीदा था। ये जानकर मियाँ बहुत खुश होती है। मियाँ उसे कहती है कि देखो मैं अभी तक इसे अपने साथ में रखती हूँ। फिर वो उसे कहती है कि मेरे लिए तुम वही गाना प्ले करो ना जो तुम हमेशा करते थे। अब कॉन्ग उसे कुछ नहीं कह पाता, वो वहाँ पर प्ले करने के लिए बैठ जाता है, पर जैसे वो स्टार्ट करता है तो उसके मन में सिर्फ बार बार क्यूइंग ही आ रही थी। वो उन शुरुआत से लेकर अभी तक के सारे मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जब भी वो कुइंग के साथ में था। उसे ऐसा लगता है कि वो कुइंग को चीट कर रहा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो मियाँ के साथ में नहीं रह सकता। इसलिए वो उठ के वहाँ पे चला जाता है और मियाँ से कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ की आज वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है क्योंकि यहाँ पर कुइंग अभी उसके साथ में उसी जगह पर जाने वाली थी। उसे तो ऐसा लग रहा होता है ना कि दरअसल कॉन्ग मियाँ का बहुत ही बड़ा फ़ैन है, इसलिए वो उसके साथ उसे अपने शो में लेके जाने वाली थी क्योंकि मियाँ ने उसे दो टिकट्स जो भिजवाए थे। वो बहुत ही तैयार होती है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जहाँ की जवान उसके लिए एक बहुत ही बड़ी रेस्टोरेंट में एक जगह पर रिजर्वेशन बुक करता है जहाँ की बहुत ही मुश्किल से रिजर्वेशन होता है और यहाँ पर कन्फेस करने के लिए लवर्स ही बुक करते हैं। वहाँ सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब कॉन्ग आज जाके कन्फेस करने वाला था सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग सब कुछ कुइंग के लिए, पर उससे पहले कुइंग कहती है कि उसके पास कुछ सरप्राइज़ है, वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती है और वो उसे अपने साथ चुपचाप मियाँ के शो पे लेके चली जाती है और बैक डोर से अंदर चली जाती है और सीधे मियाँ के रूम में जाके कहती है ये देखो हम लोग पहुँच गए। फिर लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल शॉक रह जाती है क्योंकि मियाँ जैसे ही कॉन्ग को देखती है तो वो उसके सामने आके सीधे उसके गले लग जाती है। अब ये देखकर कुइंग बिल्कुल शॉक ही रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या होता है। तभी वहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें याद है मैंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया था, वो कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग ही है, मैं कॉन्ग को बहुत पसंद करती हूँ। और अब ये जानकर तो बिल्कुल कुइंग के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह से कॉन्ग भी हमेशा उसे कहता था कि मियाँ की तरह हरकतें मत करो, मियाँ मत बनो, मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा था और ये दोनों एक साथ रहते थे, ये दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था और मियाँ अभी भी इसे पसंद करती है। ये जानकर उसका दिल ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कॉन्ग बस उसे मियाँ की कॉपी समझ रहा था इतने समय से और इसीलिए उसके साथ में था, इसलिए वो वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। अब कॉन्ग भी उसके पीछे जाता है, मियाँ उसे रोकती है और कहती है कि मेरे साथ ही रुको, पर फिर भी कॉन्ग नहीं रुकता और वो दौड़ के उसके पीछे जाता है। वहाँ पर वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है,
वो बार बार क्विंग से कह रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है, वो मियाँ को पसंद नहीं करता, और वो मियाँ की कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। क्विंग क्विंग है और मियाँ मियाँ, वो लोग अलग अलग इंसान है, और वो क्विंग को ही पसंद करता है, पर क्विंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी जो कि वो वहीं पर गिरा देती है, और गुस्से में वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहाँ पर क्वांग उस गिफ्ट को भी उठाता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। अभी काफ़ी बारिश भी हो रहा था और क्विंग उसी बारिश में एक टैक्सी लेकर चली जाती है, और क्वांग बारिश में उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है, पर वहाँ पर वो बिल्कुल भी उसके लिए नहीं रुकती और रोते रोते चली जाती है। अब जब वो घर पहुँचती है तो ई भी उसे देख कर शौक हो जाती है। ई कहती है कि उसे क्या हो गया, वो इतनी ज़्यादा भींगी क्यों है, उसकी डेट अच्छी नहीं हुई क्या, वो उसे पूछने लग जाती है। पर क्विंग कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोना चाहती है, और वो अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्वांग को देखते हैं जो कि अभी सुन के रेस्टोरेंट पे जाता है। वो बहुत सैड होता है, सुन तभी वहाँ पर देखता है एक आर्टिकल। वो लाकर उस आर्टिकल को सीधे उसे दिखाता है, कहता है कि अब ये क्या ड्रामा है। इसे देखकर तो वो भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता अब ये क्या हो गया। दरअसल ऐसे खबर हो रही थी कि मियाँ किसी को डेट कर रही है, और वहाँ पर इसी के साथ वाली पिक्चर थी जिसमें कि क्वांग की शक्ल अच्छे से दिख नहीं रही थी, इसलिए लोग इसे नहीं पहचान रहे थे। वो किसी और ही एक्टर के बारे में कह रहे थे, पर जो लोग क्वांग को पहचानते उन्हें तो समझ आ जाता ना कि ये क्वांग और मियाँ की ही पिक्चर है। और अगर इस पिक्चर को अभी क्विंग देख लेगी तो वो और भी ज़्यादा सैड हो जाएगी। यहाँ पे सुन यही सारी बातें क्वांग से कह रहा होता है। क्वांग कहता है कि मुझे नहीं पता अब मैं कैसे क्या करूँ। सुन कहता है कि ज़्यादा लेट मत करना, जल्दी से जल्दी जाकर तुम्हें क्विंग को सारी चीज़ें समझानी होगी, उसे बतानी होगी, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए और तुम उसे खो दो। ये बात अब वो भी जानता था। वो कहता है कि वो कुछ भी हो जाए क्विंग को इस बार नहीं खोएगा, वो क्विंग को ही पसंद करता है, वो उसे पाकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार क्वांग उसे जाने नहीं देगा। उसके बाद वो अपने गिफ्ट को भी खोलता है, और वो एक बहुत ही प्यारी सी बाइक होती है जो कि उसे उसने गिफ्ट किया था, और इस छोटे से टॉय बाइक को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पे वो रोने भी लग जाता है, वो बहुत इमोशनल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ई फटाक से जवान को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि क्या हो गया, आज ये बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही है। जिसमें कि जवान कहता है सैड तो नहीं होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था। वो बताता है कि दरअसल क्वांग आज उसे प्रपोज़ करने वाला था। तो ई कहती है कि ये कौन सा प्रपोज़ल उसने कर दिया जिससे कि वो इतनी ज़्यादा सैड है। पर उन दोनों को ही नहीं पता होता है कि आखिर हुआ क्या और किस वजह से वो इतनी ज़्यादा सैड है, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं था ना कि इन दोनों के बीच में मियाँ आ चुकी है। दूसरी तरफ हम क्विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। वो बार बार यही सोच रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्वांग ने उसे धोखा दिया है। वो बहुत सैड होती है। हम देखते हैं कि अभी वो सीधे पहुंच जाती है अपनी कंपनी, वहाँ पर भी वो बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ पर उसे लुओ देखता है, तो वो उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वही उसे घर भी पहुंचाता है, और वहाँ पर उसे रास्ते पर छोड़ने के लिए भी आता है। लुओ उसकी ये हालत देखकर परेशान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस लड़की को क्या हो गया, ये इतनी तकलीफ़ में क्यों है। पर फिर लुओ उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता और उसे आराम करने के लिए कहता है। रूम में आकर भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बार बार क्वांग के बारे में ही सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है, और पता नहीं उस कॉल में ऐसा क्या होता है, उसे बात करते वो शॉक रह जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।